जी हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों Redmi 10 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है अभी SD680 प्रोसेसर के साथ 11,000 का ये मोबाइल है। HDFC के डिस्काउंट के साथ आपको ये मोबाइल 10,000 का मिल जाता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम यहाँ पे इसका PGMI बैटरी ड्राइविंग टेस्ट करने वाले हैं, FPS देखेंगे एंड ग्राफिक्स कौन सी सेटिंग मिलती है ये भी हम देखेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस मोबाइल में दोस्तों आपको बड़ा सा डिस्प्ले मिल जाता है, 6.7 इंचेस का HD+ डिस्प्ले आपको मिलता है। MIUI 13 एंड्रॉयड 11 के साथ ये जो है मोबाइल आता है। इसका ब्रीफ में वीडियो मैं बना चुका हूँ, चैनल पे अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट करिएगा। फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं इसके साथ आने वाले सॉफ्टवेयर वर्जन की, जिसमें आपको गेम टर्बो का ऑप्शन मिल जाता है। ये डिवाइस बजट सेगमेंट की डिवाइस है और अच्छी बात यह है कि इसमें भी आपको गेम टर्बो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से टूल किट्स वगैरह जो है आप ऑन कर लेना एंड इससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें वॉइस चेंजर वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे मैं बैटरी आपको पहले दिखा देता हूँ कि बैटरी कितनी परसेंट है। यहाँ पे देख सकते हो क्वालकॉम 680 वाला प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है। एंड्रॉयड 11 MIUI 13 पे रन करता है। 60% बैटरी है, 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 15% यहाँ पे हो चुकी है, 15% ही हम इसे यहाँ पे मानेंगे। स्क्रीन के ब्राइटनेस मैंने फुल कर रखी है, टाइमर भी मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल ग्राफिक सेटिंग के बारे में बात करते हैं कि भैया इस बजट सेगमेंट की डिवाइस में आपको कौन सी ग्राफिक सेटिंग मिलती है। तो स्मूथ के साथ यहाँ पे आपको हाई का ऑप्शन मिलता है, एक्सट्रीम अल्ट्रा का ऑप्शन नहीं मिलता है। मे भी हो सकता है OTA अपडेट के थ्रू इन फ्यूचर आपको मिले, बट फिलहाल आपको यही मिलता है। बैलेंस के साथ आपको मीडियम का ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। स्मूथ हाई का ऑप्शन मैक्सिमम यहाँ पे मिलता है। इसी ग्राफिक सेटिंग में हम गेमिंग करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटनेस यहाँ पे फुल कर रखी है। गेमिंग के लिए आपको गेम टर्बो का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, गेम ऑप्टिमाइजेशन के लिए। साथ ही में दोस्तों वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिलता है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अब बजट सेगमेंट की डिवाइस में भी वॉइस चेंजर का ऑप्शन आपको मिलने लगा है। तो भैया यहाँ पे कॉल्स रोबोट वगैरह के वॉइस चेंज आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पैनल भी यहाँ पे आप देख सकते हो, अलग अलग ऐप्स का यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे टूल किट्स यहाँ पे आपको गेम स्पेस की मिल जाती है, जो कि पहले भी मिलती थी। गेम रिकॉर्डिंग वगैरह ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एंड ऊपर की तरफ अगर आप FPS देखोगे, FPS थोड़ा सा मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। मे बी 30 या 40 FPS होना चाहिए, बट कभी कभी ये FPS जो है 60 FPS तक भी चला जाता है। तो मे भी हो सकता है सॉफ्टवेयर का कुछ गड़बड़ हो, या फिर हो सकता है 60 FPS ही हो, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉसिबल लगता है इस तरह के डिस्प्ले वाले मोबाइल में। तो फाइनली दोस्तों हाफ आवर BGMI गेमिंग हो चुकी है। 8% बैटरी है, 15% पे हमने रखी थी, 7% यहाँ पे बैटरी ड्रेन हुआ है एंड 36 डिग्री सेल्सियस था। और यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर अभी 43 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया है। मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है यार, काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बैटरी है 6000 mAh की मिलती है, एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे अदर मोबाइल आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे बैटरी बैकअप मिल जाता है इस प्राइस सेगमेंट वाले मोबाइल में, इस बजट सेगमेंट वाले मोबाइल में। तो अगर आप BGMI या फिर फ्री फायर के लिए से लेना चाहते हो तो बेस्ट मोबाइल है। फ्री फायर गेमिंग टेस्ट भी बहुत जल्दी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा।
बस थोड़ी सी ग्राफिक सेटिंग मुझे यहाँ पे थोड़ी सी लो लगी, मे बी OTA अपडेट के थ्रू रेडमी इसे फिक्स कर देगा। फिलहाल इस मोबाइल के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन होंगे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड मैंने यहाँ पे रिव्यू वीडियो भी बना चुका है, चैनल पर चेकआउट जरूर से करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, बोलते रहिए वंदे मातरम।